हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यानी हमारे पास एक फंक्शन है, वो किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। इसको हम कहते हैं चेन रूल। यानी हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, ये किसी और फंक्शन का फंक्शन है जी एक्स, या इसमें हमने इस एग्जाम्पल में हमने जो लिया है जी ए फंक्शन है ऑफ एफ एक्स का, जी जो फंक्शन है वो एफ का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं, इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। तो फिर इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। पहले इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट, एफ और जी दो फंक्शन है, वो किन कंडीशन को सेटिस्फाई करने होते हैं। एफ रेंज ऑफ एफ कंटेन इन द डोमेन ऑफ जी, यानी अगर हमारे पास एफ जो है वो ए टू बी से डिफाइन है सी टू डी में, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ जो है यहां से डिफाइन है, तो उस कंडीशन में यहां पे कह रहा है एफ जो है वो अगर सी टू डी में डिफाइन है तो जी जो होता है उन्हें वो सी टू डी से में डिफाइन होना चाहिए, यानी एफ ए टू बी में डिफाइन है और वो डिफाइन कहां पे कर रहा है, वो कंटेंट कहां पे कर रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो सी और डी में, तो जो जी फंक्शन है वो सी और डी में डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी, यानी जो एक्स बराबर सी है पॉइंट उस पर एफ को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकेंड है जी इज डिफरेंशिएबल एट एफ सी, यानी जो एफ सी जो यहां से हम कह रहे थे यहाँ पे जो एफ की वैल्यू जो डिपेंड कर रही थी वो एफ एक्स की वैल्यू होंगी, उस पॉइंट पे इस जी को डिफाइन होना चाहिए। देन जी ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, जी जो फंक्शन है ऑफ एफ एक्स का इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी, और इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ एक्स सी बराबर जी डैश एफ सी, यानी पहले जी का डेरिवेटिव निकालेंगे और सिंपली उसको एफ सी की फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद एफ डैश सी का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं, और उसका हम प्रूफ पढ़ते हैं कि इस तरह से किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है वो ट्रू है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये ट्रू है। फर्स्ट हमारे पास एफ इज डिफरेंशिएबल, पहले इसमें बात करें एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी, तो यहां से हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू सी, और ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्योंकि जो एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है सी पे, तो यहां से डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई, ये हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से। और सेकेंड है हमारे पास जी इज डिफरेंशिएबल एट एफ एफ सी, तो यहां से अगर जी डिफरेंशिएबल है तो यहां से लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी, तो उस कंडीशन में हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, या इसको लिख देते हैं जी डॉट एफ एक्स माइनस जी डॉट एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी। फिर इसको हम बेसिकली गॉफ भी बोलते हैं, जी ओ एफ को गॉफ भी बोलते हैं हम इसको, और एफ ओ जी को फॉग बोलते हैं, तो ये भी बोलते हैं फिलहाल, तो हम यहाँ पे ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमें शो करना है कि जो ये फंक्शन है जी ओ एफ या जी ऑफ एफ एक्स, ये फंक्शन जो है एक ही बात है फ्रेंड्स, ये फंक्शन जो है x बराबर c पर डिफरेंशिएबल होगा, तो x बराबर c पर डिफरेंशिएबल होगा, उसके लिए पहले हमें शो करना होगा कि वो x बराबर c पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो x बराबर c पर कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए पहले हम देखते हैं g जो है वो कॉन्टिन्यूअस है fc पर, क्योंकि g जो है डिफरेंशिएबल है fc पर, जहां पर अगर जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी, अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, तो यहां से g जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x बराबर c पर, तो g जो है वो कंटिन्यूअस हुआ एफ बराबर सी पर। अब एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है सी पर, तो एफ जो है वो कंटिन्यूअस हुआ सी पर, तो यहां से हम कह सकते हैं इन दोनों के हेल्प से कि ये एक्स बराबर सी पर जो कंटिन्यूअस एफ है, तो कंटिन्यूअस एफ जो एफ की जो वैल्यू है वो भी कंटिन्यूअस है, और जो जी की वैल्यू जो है वो भी कंटिन्यूअस है, तो यहां से कह सकते हैं जी जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर सी पर, तो ये हो गया हमारे पास जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एक्स बराबर सी पर। अब हम शो करेंगे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो डिफरेंशिएशन के लिए अब यहां से
ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू सी जीओ एफ एक्स माइनस जीओ एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिमिट एक्स टेंड टू सी या यहीं पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट टर्म में हम यहां पे लिख सकते हैं अगर एट एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई डिवाइड करें और एफ एक्स माइनस सी का ही डिवाइड करें तो ये हो गया हमारे पास। लिख सकते हैं इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसकी वैल्यू वन है। ये हो गया हमारे पास, तो यहां से इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी, ये हो गया हमारे पास जी ओ एफ एक्स माइनस जी ओ एफ सी। और यहां से आ गया हमारे पास, इसको हम यहां पे ला रहे हैं तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी। और यहां से ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन ये हो गया एक्स माइनस सी, ये वाला एक्स माइनस सी यहां जाएगा एक्स माइनस सी। तो ये हो गया हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है फ्रेंड्स। अब चूंकि लिमिट जो है वो लिमिट एक्स टेंड टू सी एम डॉट एन वाला फॉर्मूला हो तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एम डॉट लिमिट एक्स टेंड टू सी एन इस तरह से लगा सकते हैं एम डॉट एन की कंडीशन में। तो यहां से लिमिट जो है टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये हो गई लिमिट एक्स टेंड टू सी। अब ये जो है डेफिनेशन ये है हमारे पास, ये सिंपली यहाँ पे ये यहाँ पर है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है जी डेरिवेटिव ऑफ एफ सी, क्योंकि जी डेरिवेटिव ऑफ सी ये हमारे पास शो किया था हमने पास। और ये हो गया हमारे पास डॉट एफ डैश सी, तो जो कि हमें शो करना था कि ये ही हमें शो करना था, ये हमें शो करना था, यहां से आ गया हमारे पास जी ओ एफ डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ। तो फिर यहां से इसे कई जगह हम यूज लेते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल जल्द से बताता हूं मैं आपको। सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल है y बराबर log log x, यानी हमारे पास ये f है और ये g है, यानी f और g दोनों इक्वल हैं, जरूरी नहीं है g दोनों इक्वल ले, हो सकता है log of sin x ले लें log of sin x। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy / dx निकालते हैं तो हम सिंपली पहले इसका डेरिवेटिव तो log of sin x का क्या होगा 1 / sin x, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद sin x का डेरिवेटिव निकालना है तो sin x का cos x, जब ये हो गया हमारे पास cot x, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि डिफरेंसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल होंगे, सॉल्व एग्जांपल, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।